नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं द बिहार बुलेटिन। देखिए, मधेपुरा का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज 850 करोड़ की लागत से बना और धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज अपने रूप को पकड़ रहा था, लेकिन जो कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद कुछ न कुछ निगेटिविटी यहाँ से सामने आ रही थी और निगेटिव जो एक मैसेज है वो फ्लो हो रहा था। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज को रेफरल हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया। जो यहाँ पेशेंट आ रहे थे, सुविधाओं की कमी कहें या फिर जो कर्मी हैं उसकी कमी कहें, लगातार तरह तरह के आरोप लग रहे हैं मेडिकल कॉलेज पे। लेकिन इसी बीच जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज ने आज एक ऐसा काम किया है जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल मधेपुरा के बिहारीगंज अंतर्गत मोहनपुर वार्ड नंबर 14 निवासी उमाकांत विश्वास की पत्नी आनंद देवी को बीते कुछ महीनों से पेट में काफी दर्द की शिकायत थी। वो काफी जगहों पर अपना इलाज करवाई लेकिन कोई फायदा न हुआ, जिसके बाद वो JNKT मेडिकल कॉलेज मधेपुरा पहुंची और यहां उन्होंने महिला चिकित्सक को अपनी परेशानी बताई। चिकित्सक ने जब उनका इलाज शुरू किया तो जाँच के दौरान इनके पेट में बड़े साइज का मांस का लोथरा होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद महिला चिकित्सक द्वारा महिला को यहां एडमिट लिया गया और आज जब चिकित्सकों की टीम ने उनका सिजेरियन किया तो मरीज के पेट से 15 से 16 किलोग्राम का ओवेरियन सिस्ट सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। मरीज के परिजनों द्वारा चिकित्सकों द्वारा किए गए इलाज के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दिया जा रहा है। इनके पेट में दर्द था, हम लोग बहुत जगह इधर उधर दिखलाए लेकिन नहीं हुआ। हम लोगों ने जब मेडिकल कॉलेज लाए तकरीबन 10 से 15 रोज हो चुका है और आज ऑपरेशन हुआ, मेरी फुआ है। मैं यहाँ के सभी डॉक्टर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी फुआ का तकरीबन 8 से 10 kg का मांस पेट से निकाला गया और अभी बहुत आराम है। मैं सभी कहना चाहूंगा कि कोई परेशानी हो तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जरूर पहुंचे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार। आपकी कौन है? हुआ। इलाज के दौरान टीम नेतृत्वकर्ता डॉक्टर पूनम कुमारी बताती हैं कि इस केस को हमने एक चुनौती के रूप में लिया और हमने यह कर दिखाया। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में इस तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हमारे स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में कुशल चिकित्सक मौजूद है जो सभी तरह की बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। किस तरह की परेशानी थी पेशेंट को और कैसे ऑपरेशन किया गया? मरीज को एक बड़ा सा गोला कहते हैं, ओवेरियन ट्यूमर हम लोग कहते हैं, पेट में बड़ा सा गोला हो गया था जो आपने देखा ही है कि करीब वो 2.5 से 3 kg का होगा, ठीक है। उसके कारण मरीज को पेट में काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा था और मरीज के शरीर में खून की भी काफ़ी कमी हो गई थी, मरीज को काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ रहा था। इसके कारण वो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती हुई थी खून की कमी के कारण। फिर हम लोगों ने उनका इन्वेस्टिगेशन किया, इलाज कराया, पता चला कि उन्हें बड़ा सा ट्यूमर है और फिर हमने उसको ऑपरेट करने का डिसीजन लिया। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज देना है कि गंभीर बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ पे सफलतापूर्वक संभव हो रहा है। अगर किन्हीं को भी ऐसी बीमारियाँ हैं तो आके हमें हमसे संपर्क करें या जरूर से यहाँ पे आके इलाज करें। टीम में कौन कौन लोग थे? हमारी टीम में मैं, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर चंचल, डॉक्टर गणेश सर्जन थे, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर मनोज, OT असिस्टेंट महेश, सिस्टर ऑन ड्यूटी बाबी सिस्टर थी और बाकी सभी का सहयोग था, ठीक है। ऐसे बड़े ऑपरेशन बिना किसी एक के सहायता से नहीं होते, सारी टीम एफर्ट से होते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की अधीक्षक डॉक्टर मालती कुमारी अपने टीम के इस कार्य से काफी खुश दिखाई दे रही हैं और उन्होंने कहा कि अगर यहां के लोग हम पर विश्वास करें और हमें सहयोग दें तो यह अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के लिए, इतना बड़ा ट्यूमर निकालने के लिए कॉलेज में हमारे गायनी विभाग के 2-3 डॉक्टर मिलके और सर्जन निकाले हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पेशेंट के लिए भी काफ़ी उपलब्धि इस बात की है कि इनको इस ऑपरेशन के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ा और हमारे कॉलेज में इसको इस काम को किया गया बहुत ही उचित ढंग से और बिना कॉम्प्लिकेशन के। टीम में कौन कौन शामिल थे? टीम में डॉक्टर HOD पूनम, सलवाला मैडम एंड चंचल मैडम थे और गणेश जी थे सर्जन।
लोग जो मेडिकल कॉलेज के बारे में निगेटिव बात करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज कहेंगे कि आप यहाँ के कॉलेज के काम को देखते हुए आप हम लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे, आपको देखभाल अच्छे से होगी और इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो और कोई भी ऑपरेशन जो यहाँ होगा उसको आगे नहीं जाने देंगे और हम लोग यहाँ करेंगे। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।